अब जिनके टिकट कट गए हैं उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, लेकिन क्यों? तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि टिकट कटे क्यों। सबसे पहले बात करते हैं रमेश मिधुड़ी की। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार रहे हैं, नेता रहे हैं, हिंदू ब्रांड के तौर पर उनका नाम भी गिना जाता रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि संसद में दिया गया असंसदीय बयान उनके टिकट पर भारी पड़ गया। आपको यह याद होगा, ये बात पिछले वर्ष 21 सितंबर 2023 की ही है। उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। हम आपको उनका वो बयान तो नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि किस बयान की वजह से उनका टिकट कटा होगा। उसके बाद मीनाक्षी लेखी की बात करें कि तो मीनाक्षी लेखी को भी शायद संसद में उनका दिया गया एक बयान भारी पड़ गया, जिसमें उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन ईडी के बारे में एक बात कही थी। इसके अलावा बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी मीनाक्षी का ग्राफ बांसुरी की अपेक्षा कमजोर था और इसकी वजह से उनका टिकट भी कटा है। तीसरे नंबर पर प्रवेश वर्मा आते हैं। पश्चिमी दिल्ली में उनकी अच्छी हनक है, बावजूद इसके माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को भी उनकी जुबान ही भारी पड़ गई। आप याद कीजिए, पिछले साल दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक में प्रवेश वर्मा ने धर्म विशेष के खिलाफ गलत बयानी की थी और खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बयान से नाराज थे। माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को इसी तरह के बयान की सजा मिली है। चौथे नंबर पर हंसराज हंस हैं। हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद थे। वो जितने शानदार गायक हैं उनके क्षेत्र की जनता उन्हें काम के स्तर पर शायद उतना पसंद नहीं कर पाई। सूत्रों के मुताबिक इंटरनल सर्वे में हंसराज हंस बेहद कमजोर माने गए और इसीलिए 2024 चुनाव से पहले सियासी मैदान में उनके सुर बिगड़ गए। अब बीजेपी की लिस्ट में सियासत के धुरंधर हैं तो सिने जगत के सुपरस्टार भी हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, वो भीड़ से लेकर वोट जुटाने में भी खासे कारगर हैं। और इस लिस्ट में मथुरा से हेमा मालिनी को एक बार फिर से मौका मिला है, जबकि पहले उनके नाम पर संशय बना हुआ था। इसी तरह गोरखपुर से भोजपुरी के स्टार रवि किशन को एक बार फिर मौका मिला। तो चौंकाने वाला नाम पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गायक पवन सिंह का है। पवन सिंह को टिकट मिला, माना जा रहा था कि उन्हें ही मिलेगा। पवन सिंह भोजपुरिया स्टार हैं, उन्हें बंगाल में मौका मिला है। इसी तरह निरहुआ को एक बार फिर आजमगढ़ से और मनोज तिवारी को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से टिकट दिया गया है। ये स्टार उम्मीदवार हैं। अब आपको 16 राज्यों की कहानी मानचित्र की जुबानी दिखाते हैं, जरा इसको आप समझिए। आपको ये बताते हैं कि बीजेपी की 195 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, जरा आप इसको मैप पर देखिए, मानचित्र के जरिए इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटें कुल 51 जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, बंगाल की 28, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की भी 15, केरल की 12, तेलंगाना असम और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, दिल्ली में 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, उत्तराखंड की 3 सीटें, अरुणाचल की 2 सीटें, गोवा में भी 1, त्रिपुरा में भी 1, अंडमान निकोबार में भी 1। ये कुल मिलाकर अभी इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। तो ये 543 में से सिर्फ 1/3 सीटों का हाल है। अभी आगे महाराष्ट्र और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के नामों का ऐलान बाकी है, उन पर भी सियासी दिग्गजों की नजरें जमी हुई हैं। बीजेपी की जारी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में युवाओं को भी तरजीह दी गई है, तो वहीं महिलाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने पहली सूची में 28 महिलाओं के नाम रखकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी के महिला उम्मीदवारों के नाम पर आप नजर दौड़ाएं तो जरा देखिए, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा, पोन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यम, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, नागौर से ज्योति मिर्धा, हैदराबाद से माधवी लता, टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्यलक्ष्मी शाह, मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी, धौरहरा से रेखा वर्मा, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, लालगंज से नीलम सोनकर और हुगली से लॉकेट चटर्जी के नाम इसमें शामिल हैं। इन महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में मौका दिया गया है। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज बीजेपी के नामों के ऐलान के बाद उनके किस दिग्गज का मुकाबला कहां किससे होना है। तो इस लिस्ट की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से करते हैं, जिन्हें बीजेपी ने लखनऊ से दोबारा टिकट दे दिया है। अब यूपी में जो मुकाबला होगा उसको आप समझिए। लखनऊ में राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी कि वो INDIA अलायंस के उम्मीदवार होंगे और राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ में
भारतीय जनता पार्टी अक्सर आसानी से जीत दर्ज कर लेती है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना हो या फिर अभी जब से राजनाथ सिंह इस संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं, बड़ी आसानी से और बड़े मार्जिन से लखनऊ की सीट जीतते रहे हैं। तो राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मेहरोत्रा आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसी तरह लखीमपुर खीरी की बात करें, जहां से एक बार फिर से अजय मिश्र टेनी को टिकट दिया गया है और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से उत्कर्ष वर्मा को वहां से टिकट दिया गया, तो ये टक्कर भी काफी दिलचस्प होने वाली है। एटा सीट से राजू भैया यानी कि राजवीर सिंह को टिकट मिला और उनके सामने देवेश शाक्य को टिकट समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया। इसी तरह मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान है और संजीव बालियान के खिलाफ हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट दिया गया। ये लिस्ट पहले ही सपा की तरफ से जारी कर दी गई थी, अब बीजेपी के उम्मीदवार सामने आए हैं। साक्षी महाराज के खिलाफ अनु टंडन, जरा देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में मुकाबला किस किस के बीच होगा, राजनाथ सिंह वर्सेस होंगे रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, और क्या इस सीट पर टक्कर होगी ये वहां की जनता ही तय करेगी, क्योंकि यहां से अक्सर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अजय मिश्रा टेनी के सामने उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, राजू भैया राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं उनके खिलाफ देवेश शाक्य हैं, संजीव बालियान के खिलाफ हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सीट काफी महत्वपूर्ण है और इस पर टक्कर भी दिलचस्प हो सकती है। Zee News.